हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट का डेरिवेशन देखा था कि किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब पर्टिकुलरली हम इसका डेरिवेशन करेंगे आइडियल गैस के लिए। आपको पता है, आपने थ्योरेटिकल उसमें पढ़ा है कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, वो आइडियल गैस के लिए उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। लेकिन किस तरीके से होती है, आपसे काफ़ी बार ये रिटन एग्जाम में जूल थॉमसन कोफिशिएंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। इससे पहले, इस आइडियल गैस से पहले, आप जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो जनरल वाला डेरिवेशन है वो जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, देन आप ये आइडियल गैस वाला कीजिएगा। इसके बाद मैं रियल गैस वाली वीडियो अपलोड करूंगी, आप वो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी बहुत छोटा सा, 5-6 मिनट की वीडियो है, ये भी ऐसे ही होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आया था, म्यू जे टी इज इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सी पी। इस तरीके से आपका फॉर्मूला आया था। अब आपको पता है, वी नो जो आपकी एंथैल्पी होती है, एच होती है, वो बराबर होता है आपके ई प्लस पी वी के, है ना। ये आपने देखी है एंथैल्पी की इक्वेशन। तो क्या करेंगे, ये एच की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। म्यू जे टी इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो ये जो सी पी चल रहा है ना, ये डिनोमिनेटर में ही तो है, तो मैं इसको 1/CP इस तरीके से बाहर निकाल लेती हूँ, सही है। अब डी डेल एच की जगह क्या आया, ई प्लस पी वी और डिवाइडेड बाई डेल पी, और ये सब चल रहा है आपका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। चलिए अब इसको खोलते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1/CP। अब क्या हुआ, ये हो गया डेल ई अपॉन डेल पी, ठीक है, और ये हो गया डेल पी वी अपॉन डेल पी डिवाइडेड बाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब ये माइनस सी पी। अब क्या हुआ, जो आपके जूल थॉमसन हमारे दद्दू थे वो यहाँ आकर फंस गए। अब उन्होंने देखा कि अब आगे क्या हो सकता है, आगे तो कुछ भी नहीं चल रहा। बस उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि हम आइडियल गैस को लेकर चल रहे हैं, तो उन्होंने इसी चीज़ को लेकर क्या करा, उन्होंने करा कि डेल ई बाई डेल पी वाले टर्म को ऊपर और नीचे डेल वी से कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों, ठीक है। क्योंकि उनका क्या था, मतलब ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर हम काट देंगे तो भी हमें यही मिलेगा, तो हमने लिख लिया, सही है। प्लस करा डेल पी वी डिवाइडेड बाई ए और टी। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा ये जो आपका ये है, ये जो आपका हिस्सा है ये वाला डेल ई अपॉन डेल वी, डेल ई अपॉन डेल वी, ये जो आपको आप जूल लॉ आपने एक पढ़ी होगी, कौन सी पढ़ी होगी, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ आपको बताता है कि किसी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, किसी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, ये ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, और ये टर्म आपका हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ डेल ई वाई डेल वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या करा, 1/CP डेल, इसकी वैल्यू हो गई ज़ीरो, तो जब ये ज़ीरो हो गया तो ये सब भी ज़ीरो हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई पे, ठीक है। तो आपके पास केवल क्या बचा, ये पूरा टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो आपके पास क्या बचा, केवल ये डेल पी वी अपॉन डेल पी एट टी, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँचे, अब दद्दू ने सोचा, जो हमारे जूल थॉमसन दद्दू थे उन्होंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो वही वाली सेम चीज़ उनके दिमाग में था कि आइडियल गैस लेकर हम चल रहे हैं, तो अब उन्होंने क्या लगाया इसमें, यहाँ तो इन्होंने जूल्स लॉ लगा दी, अब इन्होंने बॉयल्स लॉ लगाया। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, वो तो हमें दिख रहा है ना, टेम्परेचर तो हम कॉन्स्टेंट लेकर चल रहे हैं, तो जब आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है उस तब आपके प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो भी ज़ीरो होता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो आपका पी वी है वो भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, या पी इंटू वी, या पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो भी बराबर टू ज़ीरो होगा, सॉरी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, सही है। तो जूल थॉमसन दद्दू ने यहाँ भी लगा दिया ज़ीरो,
अब जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो आपको क्या मिला यहाँ से, जब आप इसके बाद अगला स्टेप जब आपने देखा तो आपको मिला कि म्यू जे टी इज इक्वल्स टू आया जीरो। ठीक है, बॉयल्स लॉ लगाने के बाद आपने देखा पी वी की वैल्यू जीरो हो गई, सब कुछ जीरो हो गया, जीरो की मल्टीप्लाई वन बाई सी पी से करा ये भी जीरो हो गया, तो म्यू जे टी इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, जीरो। तो इस तरीके से आप आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोफिशियंट जो जीरो वैल्यू आती है वो डिराइव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखना जनरल वाली, देन ये देखना, बेटर समझ में आएगी। और पढ़ते रहो, बाय बाय।